किया तुमने। दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान के दमदार एक्शन, स्वैगी स्टाइल और विजुअल से सजी हुई फिल्म टाइगर 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना 12वां दिन पूरा कर रही है। और दोस्तों इन 12 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाई है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार सलमान खान के डायहार्ड फैंस हैं, उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म है टाइगर 3, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर से टाइगर के रोल में नजर आए हैं। उनका एक्शन, उनका स्वैग स्टाइल और कैटरीना के साथ उनकी जोड़ी इस फिल्म में और इस सीरीज में खूब पसंद की जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार विलन के तौर पर नजर आए हैं इमरान हाशमी, जो कि दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार सलमान खान पर भारी पड़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान का स्टारडम ही है क्योंकि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग ली। इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग ओवरसीज मार्केट में सुपरस्टार सलमान खान के नाम रही है। और इस फिल्म ने दोस्तों अमेरिकन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ गल्फ कंट्रीज यानी कि दोस्तों सऊदी अरेबिया, यूएई सभी जगहों पर शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान को पीछे छोड़ते हुए लगभग 50 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए और इंडिया से 44 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही 94 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले चुकी थी। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद कर रही थी, क्रिटिक्स ने दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए थे। यही वजह रही दोस्तों कि 3 दिनों में तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो विदेश में भी काफी अच्छा होल्ड करने में कामयाब रहे। अपने शुरुआती 5 दिनों में 187 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी टाइगर 3 ने दोस्तों अपने सेकेंड वीक की शुरुआत भी काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की। और इस फिल्म के अपने शुरुआती 8 दिनों के जो कलेक्शन थे वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके थे। अपने 9वें, 10वें और 11वें दिन के कलेक्शन के साथ ही दोस्तों ये फिल्म 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रही है। और इसी के साथ सुपरस्टार सलमान खान की 5वीं 250 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म ने 404 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर ली है। दोस्तों बताते चले आपको कि सलमान खान की इस फिल्म को भले ही क्रिटिक्स ने कितने भी नेगेटिव रिव्यूज दिए हो, लेकिन दोस्तों सलमान खान का स्टारडम ही है क्योंकि इस फिल्म ने 400 करोड़ के आंकड़े को आसानी से टच कर लिया। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने 12वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उसी तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा रही है जिस तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस फिल्म ने पिछले 3 दिनों से दिखाया है। ये फिल्म दोस्तों आज भी 1 करोड़ रुपए के एडवांस लेकर ओपन हुई है। 12 से 16% की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की आज भी मॉर्निंग में है। तो वही दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी ये फिल्म सेम ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है दोस्तों की इस फिल्म के आज के भी जो कलेक्शन है वो 5.5 से 6 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं और ये फिल्म 255 से 256 करोड़ रुपए की कमाए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 12 दिनों में कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस 415 करोड़ रुपए के आज हो चुके होंगे। बताते चले दोस्तों आपको कि 12 ही दिनों में इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी करके बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज का स्टेटस तो पा लिया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये फिल्म 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर छू लेती है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म भी साबित होगी। अब भी दोस्तों इस फिल्म के पास 7 दिनों का समय बचा हुआ है जब कोई बड़ी फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म दोस्तों इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की टॉप 6 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। और इस फिल्म से आगे अब सिर्फ जवान, पठान, गदर 2, लियो और जेलर फिल्में ही है। अगर ये फिल्म 600 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होती है तो ये फिल्म जेलर और लियो को भी पीछे छोड़ देगी और टॉप 4 में आ जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो क्या इंडिया में 300 करोड़ और दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा का रहेगा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।